ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश विगकंत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ धरो। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभु जी कहाँ के घर के मालिक। बोले हरी मेरे पीछे कुछ दे दे कोई तकिया दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हाँ एक ले। अब लोगों का सेवा खत्म हो गया तो बैठ गया तो सब खाने पीने में लग जाते सब आगे छोड़ करके इधर थोड़ी देर बाद कथा के बाद में चले जाना। गुरु जी कहते थे जब कथा हो ना उस समय उसको पहले सारे सेवा कंप्लीट हो जानी चाहिए। और थोड़ा ठीक करो टाइट करो। आज निर्जला है ना तो जल छोड़ के बाकी सब कुछ खाएंगे। हाँ हरे कृष्णा हाँ हरि बोल। सब बैठ गया जो अंदर में सब बाहर आ गया। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज श्री गौर गोविंद महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे गुरुपाद पद्म कृपा करके हमारी हृदय रूपी खेती में कृष्ण नाम रूपी मंत्र रूपी जो बीज को वो बो देते हैं। बोने पर क्या होता है पहले एक अंकुर निकलेगा फिर दो पत्ते निकलेगा फिर उसमें टहनियां निकलती हैं और वो बढ़ते 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 पहले ब्रह्मांड को भेंट करता है, हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में जो लता है वो कृष्ण प्रेम रूपी ये लता है इसलिए ब्रह्मांड में इसको आश्रय के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता क्योंकि ये ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा कौन बनता है बोले जब कोई स्वधर्म जिस वर्ण और आश्रम में जन्म लिया है जब वो 100 जन्म तक ठीक ठीक काम करे फिर वही व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। लेकिन कब तक ब्रह्म लोक में रहेगा बोले जब तक पुण्य खत्म नहीं हो जाए। पुण्य खत्म होते ही
कहते आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तन अर्जुन, इसलिए उसको पुण्य खत्म होते ही वो भी ब्रह्म लोक से प्रभु जी, इसलिए वो भी ब्रह्म लोक से वो भी गिरते हैं, इसलिए वो पुण्य का फल है लेकिन भक्ति का फल नहीं है। लेकिन जो कृष्ण जो लता है वो लता कोई साधारण लता नहीं, ये कृष्ण प्रेम रूपी लता है, इसलिए ये लता को वो आश्रय के लिए वहां कोई स्थान नहीं, इसलिए लता कहाँ पर जाती है, ये ब्रह्मांड को भेद करके ये विरजा को भेद करता है। क्यों? जो विरजा है सत्व रज और तम, ये तीन गुण के, लेकिन जो भक्ति है कृष्ण कहते ना त्रिगुण विषय वेदांतिस त्रिगुण भवार्जुन, हे अर्जुन ये जो वेद है गुण का अधीन है, तुम ये तीन गुण से अतीत उठो, इसलिए निर्गुण में जाना पड़ेगा है, इसलिए ये विरजा नदी को पार करना पड़ता है, फिर उसके बाद में ब्रह्मलोक आता है। कभी ब्रह्मलोक में भी उसका कोई स्थान नहीं है, ब्रह्मलोक में भी स्थान नहीं, क्यों? जो भगवान को निराकार मानते हैं, हैं? इसलिए ये लता कृष्ण प्रेम रूपी लता है वो उसको भी भेद करता है, कहां पर पहुंचता है, बोले वैकुंठ में, लेकिन वैकुंठ में भी वह स्थान नहीं, क्यों? हम लोग जो मंत्र है वो राधा कृष्ण का मंत्र है, इसलिए वैकुंठ में वहां पर जो भक्ति है ना दास्य सख्य है, वहां पर शांत दास्य सख्य का आधा रस है, वहां पर आधा ढाई रस है, इसलिए हम लोग जो भक्ति करने वाले वो पंच रस में परिपूर्ण है, वो श्रृंगार रस है, राधा कृष्ण की प्रेम रस है, इसलिए वो उसको पार कर देता है। फिर कहाँ जाता है? वो जाता है, फिर जाता है अयोध्या, अयोध्या में भी वो रस तो है लेकिन वो गैरव गौरव रस है, वहां पर शांत दास्य सख्य वात्सल मधुर रस तो है लेकिन वो सबके सब ऐश्वर्य जुगते है उसको भेद करता है। फिर द्वारका पहुंचता है, लेकिन द्वारका में भी कृष्ण वही कृष्ण द्वारका में है, लेकिन होने पर भी द्वारका में भगवान को सबके सब द्वारकाधीश मान करके उस समय में कृष्ण को सबके सब प्रणाम करते हैं, वहां पर भगवान मान कर उनको भक्ति करते हैं, ईश्वर मान करके, इसलिए वहां पर गौरव युक्त भक्ति ऐश्वर्य युक्त भक्ति, इसलिए उसको पार करता है। फिर कहां पहुंचता है? फिर पहुंचता है मथुरा में, लेकिन वहां पर जो मथुरा में प्रेम है वो आधा है ऐश्वर्य और आधा माधुर्य है, हैं? इसलिए उसको पार करके कहां जाएगा? गोलोक वृंदावन जाता है। गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण का चरण को वो प्रेम रूपी लता आश्रय करता है और साधक यहीं पर बैठा हुआ कहां पर बैठा हुआ? यहीं पर, लेकिन भक्ति करते 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 वो लता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, लता मतलब भाव, लता मतलब भाव, कहां तक पहुंच गया? और गोलोक वृंदावन पहुंच गया और साधक यहीं पर बैठे बैठे कर क्या कर रहा है? वो प्रेम रस का आस्वादन करता है। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे ना, क्या सुन रहे थे? जैसे श्रीनिवास आचार्य सुन रहे थे कि नहीं, क्या सुन रहे थे, क्या याद है? श्रीनिवास आचार्य कैसे यहीं पर बैठे थे और बैठे करके कहां चले गए? बोले राधा रानी अपना सखियों को साथ में राधा कुंड में जल विहार कर रही थी और जल विहार करते करते राधा रानी के नाक की बेसर कहीं खो गई, बेसर खो गई तो ढूंढ रहे बेसर कहां गया, क्योंकि वापस जाएंगे तो जटला कुटला सास ननद, आपको पता होगा सास ननद कितना तेज होते हैं, इसलिए बोले भैया तुम्हारी नाक की बेसर कहां गई है, नाक की तुम्हारी बेसर कहां गई, इसलिए वो बेसर ढूंढ रही थी मिल नहीं रहा था, लेकिन श्रीनिवास आचार्य जो अभी राधा रानी की एक सखी है वो भी जाकर ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, तो यहाँ पर तो समाधि में बैठे हुए लेकिन दो तीन दिन ही हो गया समाधि नहीं खुल रही, उनको शिष्य रामचंद्र कविराज को बुलाए, वो भी राधा रानी की एक सखी, वो भी बैठ गया गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी को ढूंढने जा रहा, कहां चले गए? राधा कुंड में, राधा रानी का नाक का बेसर कहीं खो गई है, गुरु जी वहां पर सखी रूप में ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन ढूंढते ढूंढते इनको मिल गया, नाक की बेसर इनको मिल गया, बड़े खुश हुए, अपना गुरु जी को दिया, उनको गुरु जी को दिया, उनको गुरु जी को, फिर ललिता ने राधा रानी के नाक में बेसर पहना दिया, राधा रानी खुश हो गई, बोले भैया बेसर मिली किसको? बोले एक नई सखी आई, बोले बुला उसको, जब बुलाए इतने में राधा रानी अपना तांबूल उचिष्ट तांबूल प्रदान करती है, हम पान की बीड़िया, ओ पाते ही
जो दोनों गुरु शिष्य बैठे हुए हंकार करते हुए उठे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि, तो उनने पूछा अब कहाँ चले गए थे, तो उनने सारे बात को बताए, ऐसे ऐसे बात है, हैं? इसका मतलब है साधन तो यहीं पर कर रहे हैं, लेकिन जो भाव है ना वो गोलोक वृंदावन पहुंच गए और यहीं बैठ बैठ करके साधक शरीर में यहीं पर बैठ बैठ करके सिद्ध स्वरूप लीला में प्रवेश करते रस आस्वादन करते हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, एक दिन इनको बुखार आ गया, इनको वैद्य को बुलाए, वैद्य बुलाए, वैद्य ने नाड़ी देखा, बोले इसने ज्यादा खीर खा खीर खा ली, बोले खीर खा लिए, दिन भर एक चुल मठा को लेकर के भजन करते हैं, दिन भर एक चुल मठा, केवल एक दुना मठा लेकर कुछ भी नहीं लेते, एक दुना मठा लेकर के 26 घंटा क्या करते हैं, राधा कुंड को बीच में बैठ करके भजन करते, जब भजन करते हैं ना राधा रानी स्वयं आकर के उनको सर के ऊपर में अपना चुंदरी से छाया करके राधा रानी खड़ी रहती है। सनातन गोस्वामी बोले रघुनाथ राधा रानी को क्यों कष्ट देते हो, बोले क्या है, बोले मैंने देखा तो धूप में बैठे हुए राधा रानी आकर के तुम्हारी सर के ऊपर में अपना चुंदरी से छाया करके खड़ी थी, है राधा रानी को क्यों कष्ट देते हो, राधा रानी को कष्ट मत दिया करो, हाँ कष्ट मत दिया करो, बोले मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मेरे कुछ पता ही नहीं, इसलिए वो दिन भर एक दुना के बोले छाछ पीते हैं और इसी से ही भजन करते हैं, बोले तो छाछ के बगैर कभी खाते ही नहीं कुछ, आप लोग ज्यादा खीर जिंदगी में खीर देखा ही नहीं कभी, बोले इनको पूछो, इनको पूछो, वैद्य भी साधारण नहीं था, बोले पूछो इसको, बोले आप ज्यादा खीर खाए हो, बोले खाया हूँ, बोले कहाँ से मिला है, अब खीर कहाँ से मिला है, देखो बोले मैंने मन मन में आज सोचा ठाकुर जी को खीर भोग लगाऊंगा, मन मन में गैया की दूध लाए और बासमती चावल डाल करके काजू पिस्ता किशमिश डाला और उसमें घी डाले और खूब उसमें मिश्री डाल करके एकदम बढ़िया अथोटा मैंने गर्म करके जब लाल हो जाता ना खीर, बढ़िया मैंने खीर बनाया और खीर बना करके सोने की कटोरी में पहले कृष्ण को खिलाया, फिर वो उसको राधा रानी पाई, उसको बाद में ललिता सखी ने पाई, उसको बाद में रूप मंजरी ने पाई, उसको बाद में जब छोड़ दिया ना खीर बहुत टेस्ट था, लेकिन कुछ नहीं मन मन में भाव भाव से भाव में हैं, बोले खीर बहुत स्वाद था, कोई बढ़िया स्वाद होता ना कर भाई और थोड़ा दो और थोड़ा दो और थोड़ा दो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा खा लिया, मैं थोड़ी सी ज्यादा खा लिया तो बुखार आ गया, देखो यहाँ पर बैठे हुए यहीं पर, लेकिन भाव कहाँ पहुंच गया, बोलो वृंदावन में, और यहीं पर बैठ बैठ करके पास लीला में प्रवेश कर जाते हैं, लीला में प्रवेश करते हुए और वो लीला रस को आस्वादन करते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया बैठे यहीं पर बस यहीं पर बैठ करके जिसमें जिस फल में इतने सुंदर सुंदर फल है, जिसमें छिलका भी नहीं गुठली भी नहीं, जिसमें रस ही रस है, जिसमें रस ही रस है, इसलिए कहते खूब पी बतम, बोले खूब पियो इसको, क्या करो उसको खूब पान करो, है पान करो, लेकिन यहाँ पर कहते भैया पान तो करेंगे लेकिन उसमें दिक्कत आएगी जब साधन भजन करते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहनी चाहिए, बोले क्या है, बोले अपराध, भजन करते करते अगर बीच में अगर कहीं अपराध रूपी हाथी अगर आ गया तो है किसी जैसे बाघ है लता रूपी बाघ, अब उसमें हाथी घुस जाएगा तो क्या करेगा, सब रोंग डालता है, है? उसको तो बेच ही प्यार इतना बड़ा बड़ा है, फिर सूर में पकड़ करके उखाड़ कर फेंक देती है, उसको फेंक देती है, कहते वो क्या है, कहते साधुओं का निंदा, वैष्णव निंदा, संतों की निंदा और गुरु जी की अवज्ञा, ये दो चीज जो 10 तरह का अपराध है, नाम अपराध है, ये दो जो अपराध उसको सबसे खतरनाक बताया, किसी साधु की निंदा करना और गुरु जी की अवज्ञा करना, ये सबसे बड़ा खतरा इसको बताया है, बड़े खतरा बताया, इसलिए वो क्या करता है जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देती है, हैं? इसलिए हम लोग गतगल्य श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे ना क्या क्या सुने, किसको याद है, बोलो किसको क्या याद है, प्रभु जी बताओ क्या आपने कल लिखा, हम तो सो रहे थे कल, हाँ बता क्या, मैंने 2-3 उदाहरण दिया है, श्रवण कीर्तन जल से, अरे मैंने जो प्रश्न किया उसको उत्तर,
जो वैष्णव का अपराध को विषय में मैंने दो तीन कथा सुनाई थी, बड़ा पंडित है बोलो मैंने क्या क्या उदाहरण थे, इसलिए एक ना काफी रखा करो। जैसे मैं चला जाता हूँ, जितने कथा अभी तक मैंने कितने कथा मैंने सुनाई, अगर इतना भी कथा तुम अगर नोट कर रख लेती ना, कहीं अगर कथा सुनाने के लिए जाओ उसको खोलो और बोलो हमने वैष्णव से कथा सुनी थी। इसलिए अच्छे स्टूडेंट का ये लक्षण है, जरूर इसलिए वो जरूर कुछ ना नोट भूल लेकर बैठते हैं। हम जो गुरु जी कथा करते थे ना हमारे भक्त नारायण गोसाई महाराज, अब देखो अभी जितने सारे भक्ता है सबके पास में नोट होता था, गुरु जी की सारी कथा को हम नोट करते थे हैं सारे। अभी भी जब हम गुरु जी की कोई कथा करते हैं वो नोट को देखते हैं, महाराज ने ये बताया, गुरु जी ने ये बताया था, गुरु जी ने ये बताया था। ये एक अच्छा स्टूडेंट का लक्षण है, तुम लोग सब फेल स्टूडेंट हो, इसलिए इसको ना इसको नोट रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया ना अगली बार जब आऊंगा कुछ तीन चार भक्तों को नया फूल को तैयार करना जो ठाकुर जी के चरण में देने के लिए, मतलब क्या भक्तों को बनाना, हरि कथा सुनाना दूसरों को, ठीक है। हरि कथा सुना तभी तो जगत में प्रभु का भक्ति प्रचार होगा, तभी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी है, सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वैष्णव अपराध का मैंने दो तीन मैंने आपको कथा सुनाई थी। पहला नंबर सची माँ की मैंने कथा सुनाई थी, सची माँ भगवान की माँ है, महाप्रभु की माँ है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने अद्वैताचार्य जी को बाहर में केवल अद्वैत तारे द्वैत करी माने हैं। जब उनकी बड़ा बेटा संन्यास ले लिया इतने में उन्होंने इतने से बोला कौन इसको अद्वैत कहते तो द्वैत है, कहा बेटे को मेरे को ऐसे मंत्र पढ़ाया और ऐसे विद्या पढ़ाई जो मेरे बेटे को उसने अलग कर दिया, सन्यासी बना दिया। बस इतनी सी बात पर महाप्रभु बोले वैष्णव चरण में अपराध हुआ, माफी मांगो। भगवान की माँ होकर के अपना बेटे के चरण में अद्वैताचार्य जी को महाविष्णु सदाशिव है, उन्हें उनको चरण में माफी मांगना पड़ा। भगवान अपना बेटे के चरण में माफी मांगना पड़ा। दूसरा क्या कथा सुनाया था, श्रीवास पंडित, क्या सुनाया था, हाँ इसलिए गोपाल चापाल है, इसलिए गोपाल चक्रवर्ती उन्होंने कैसे श्रीवास पंडित को कैसे निंदा की है, श्रीवास पंडित को बाहर में कैसे उल्टा पुल्टा उन्होंने बताया, उसका कुष्ठ हो गया, कूड़ हो गई, नाक कान गलने लग गया उसकी, महाप्रभु को चरण में जाकर गिरा। महाप्रभु बोले देखो प्यार से कांटा चुभने से सर पर नहीं निकलेगा, प्यार से निकलेगा, तुमने अपराध किया श्रीवास की चरण में, वो नारद जी है, जा उनको चरण में माफी मांग, माफी मांगो, उनको माफी मांगना पड़ा। और क्या सुनाया था, और क्या उदाहरण दिया था, और कोई उदाहरण दिया था मैंने, बोलो ये हाँ। इसलिए यहाँ पर जो वैष्णव जो अपराध है वो बताया सबसे खतरनाक, इसलिए कभी भी, इसलिए महाप्रभु कहते कहार ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कहले, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता, उनका नाम अजय है, जिनको जय करना बड़ा कठिन है, कौन उनको प्राप्त कर सकता, तो वही प्राप्त कर सकते हैं जो कभी किसकी निंदा चुगली नहीं करते हैं, हर समय कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं, कृष्ण नाम जो ग्रहण करते हैं। हमारे बामन गोसाई महाराज थे, अगर कुछ कंप्लेन लेकर के जाए ना हरि नाम करते थे, जो कोई अगर कोई किसका बार में उल्टा पुल्टा बोलते थे वो जोर जैसे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, वो बोलते थे खबरदार इसकी निंदा मत करो, हरे कृष्णा जोर जोर से भगवान की नाम को जप करो, ठीक है। आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सारे कल सब पूछूंगा शाम को लेकर करो। बोले एक समय कोई एक संत भिक्षा मांगते मांगते किसी राज दरबार पर गए, बोले महाराज जी को जो भिक्षा दो, बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है, भीख मांगने के लिए आ गया। उन्होंने क्या किया, घोड़े का जो लीड है ना जो पायखाना उसको झोली में दे दिया, वो संत है उसको लेकर चले गए। जो चले गए एक दिन राजा जंगल में घूमते घूमते उसी संतों का आश्रम पर पहुंचे और वहां पर देखा घोड़े का जो लीड है ना पायखाना पहाड़ रूप में, तो उन्होंने वो संतों को बोले ये क्या है, ये घोड़े का लीड कहां से आ गया। बोले महाराज जी आपको याद है
जब मैंने आपके घर में भिक्षा लेने गया था, आपने मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीट दिया था, है ना? संतों को अगर हम कोई चीज देते हैं, अगर सचमुच से वो संत हो, वो चीज को ठाकुर को सेवा में लगाता है ना, वो कभी कम नहीं होगा। सुदामा कृष्ण को 2 मिनट चिढ़वा दिया, भगवान त्रिभुवन का राज्य ठाकुर ने दिया है, कभी वो कम नहीं होगा संतों को जो चीज देगी। और उदाहरण देते राम का बाण जैसे, राम का कैसे, जब भगवान राम वो तीर को पकड़ते हैं वो एक गुण होता है, जब निकालते हैं वो 100 होता है, चढ़ाते 1000 होता है, खींचते हैं 1,00,000 होता है, छोड़ते हैं करोड़ों गुण में, और जो प्रहार करता है प्राण को ले लेता है, पूरा प्राण ले लेता है, जैसे राम का बाण जैसे। कहते संतों को अगर कोई चीज हम देते हैं, अगर वो सचमुच से ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, वो वस्तु कभी कम नहीं होगा, वो तुम्हारी बढ़ेगी, हर समय वो बढ़ेगी। मतलब आप मेरे को दिया था ना लीड, बढ़ेगा ही, एक दिन ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा तेरे राज्य में घोड़े का लीट के बगैर कुछ रह ही नहीं जाएगा, पूरा तेरे राज्य को ही कवर कर ले। बोले भगवान ये तो अपराध हो गया हमारे, हाँ हमारे तो अपराध हो गया, चरण में गिरे, बोले बोले अपराध माफ कर दो, गलती हो गया। बोलो कैसे ये खत्म होगा? बोले देखो अगर तुम्हारी कोई चुगली कोई निंदा करे ना, जो निंदा करता है, जिसकी निंदा करता है, इसका सारी बुराई जो निंदा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। अगर राज्य में तुम्हारी कोई चुगली निंदा करे फिर तो ये खत्म हो सकता है। बोले क्या करना बताओ? बोले तुम्हारी घर में एक लड़की तुम्हारी ना, बोले हाँ, बोले जवानी है, बोले एक काम करना, तुम्हारे घर के सामने जो बाग है वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाओ, कुटिया में तुम अकेला अपना बेटी को लेकर आओ। जब बेटी को लेकर आओ दुनिया निंदा करेगा, देखो कैसे कैसे बदमाश है दुष्ट, अपना अकेली जवानी लड़की को साथ में वो अकेले रह रहे, निंदा करेंगे, निंदा करेंगे तो खत्म हो सकता है। उन्होंने ठीक वैसे किया, पूरा राज्य भर में उसकी चुगली निंदा निंदा, देख लो ये राजा कर रहे हैं क्या है, सारा दुनिया में उसकी निंदा होने लग गई। जब निंदा होने लग गई, एक दिन फिर राजा आए ऋषि के आश्रम पर, उन्होंने देखा सब खत्म, लीक सब खत्म, लेकिन जो एक टोकरी अभी बाकी है। बोले महाराज जी ये एक टोकरी बाकी कैसे है? बोले देख राजा, तेरे देश में तो सबके सब तुम्हारी चुगली की है, इसलिए सबके सब खत्म हो गया, लेकिन एक वृद्ध माता है जो बड़ी भजनानंदी है, बड़ी भक्ति करते हैं, वो कभी किसकी चुगली कभी नहीं करती है, उसकी हिस्सा की अभी बाकी, अगर वो चुगली कर लेगी ना ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो इसको तुम खाना पड़ेगा, तभी खत्म हो सकता है। इतने में राजा ने अपना ड्रेस को बदलाया, और ड्रेस बदला करके वो माता जी के पास में पहुंचे, राजवेश को बदला करके वहां पर गए तो देखा माता जी बैठ करके माला लेकर के भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम जप कर रही थी। इतने में राजा तो ड्रेस बदला कर गया, इतने में जा करके बोले बोले माता जी तुमने सुनी है वो राजा क्या कर रहा है, वो राजा क्या कर रहा है, मतलब वो सोच रहे थे वो चुगली करेगी, राजा ऐसे काम कर रहा है। इतना बोलते ही वो जो बूढ़ी माता जी, तो बड़ा क्रोध आया, बोले राजा मैं अपना तपस्या का शक्ति से सब कुछ जानती हूँ, तेरे घर में वो संत आए थे, उसको तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी बच गया तेरे को खाना ही पड़ेगा, मैं कभी किसकी चुगली नहीं करती हूँ, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। राजा भाग गया वहां से। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, यहाँ पर कहते ना जो वैष्णव का जो निंदा है ये क्या करता है, भक्ति को नष्ट करने वाली ये भक्ति को, इसलिए कभी किसकी निंदा नहीं करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, किसको कभी निंदा मत करो। आप लोगों ने एक समय एक खंज कृष्णदास थे, खंज कृष्णदास, इसको सब नोट कर लो, कई कथा सुना तो सुना सकते हो, इसलिए कभी खंज कृष्णदास, खंज मतलब लंगड़ा, उनका नाम था कृष्णदास, लंगड़े थे, एक दिन जा रहे थे, जब चल रहे थे लंगड़ा तो चल रहे थे, रूप गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, जब भजन कर रहे थे वो क्या देख रहे थे, भजन करते करते कैसे राधा रानी रोज कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करने आती है राधा रानी। अब देखना कोई फूल तोड़ो, अगर पेड़ बड़ा हो ना, पास पास का फूल तो तोड़ लेते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो फूल बाकी रह जाते हैं। कृष्ण ने क्या किया,
और राधा रानी रोज वहां पर फूल चाय नगर में आती है। राधा रानी आने से पहले कृष्ण पहुंच गए, कृष्ण से नटखट है, उन्होंने पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़ करके ना वो जो पेड़ को अपना पैर से दबा करके उन्होंने उसको नीचे दबा कर रखे। राधा रानी जाकर देखा इतने सारे फूल, क्योंकि रोज नीचे का तो फूल ले लेती थी, ऊपर का फूल रह जाती थी। इतने में राधा रानी ऐसे पकड़ी, पकड़ करके फूल का चयन कर रही थी, लेकिन वो टही नहीं, कृष्णा ऊपर से पैर में दबा करके रखी थी। जब राधा रानी इसे जोर से पकड़ ली ना, इतने में कृष्णा छोड़ दी, और छोड़ते ही राधा रानी को तो पूरा टहनी अपना ऊपर उठा कर ले गई, और राधा रानी लटक रही है। सखिया बोली ये क्या हो गया, राधा रानी रोने लग गए, मेरे को बचाओ बचाओ। सखिया बोली ये क्या हो गया, अपने आप टहनिया किसे चले जाएगा। देखा तो कृष्ण ऊपर बैठे, कृष्ण ऊपर बैठे थे। इतने में कृष्ण फिर नीचे उतर करके आए और राधा रानी को पकड़ करके फिर गोद से उतारे, और ये लीला को देख रहे थे। देखते देखते रूप गोस्वामी हंस पड़े, क्यों, कृष्ण जब छोड़ दिए राधा रानी ऊपर चली गई। इतने में रूप गोस्वामी हंस पड़े, जब हंस पड़े उसी समय में सामने ये कृष्ण दास जो लंगड़ा था वो लंगड़ा तो लगलाते जा रहे थे, लेकिन उसको ऐसे लगा मानो ये मेरे को देख करके हंस रहे। कहा इतने बड़े संत है, हैं? जो संत जो उन्नत कोटि के संत वो क्या है, बोले सर्वभूतेषु जपसेत् भगवत भावात्मनम्। कहते ये जड़ शरीर को वो दर्शन नहीं करते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो भगवान को दर्शन करते हैं। इसलिए कहते स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरय तार इष्ट तक मूर्ति। वो पेड़ पौधा को नहीं देखते, सभी के हृदय में सुनी चाहिए वो सुपा के जो पंडिता समदर्शिना। एक चंडाल को अंदर में, एक हाथी को अंदर में, एक चिट्ठी को अंदर में वो परमात्मा को दर्शन करते हैं। उनने देखा कहा इतने बड़े संत हैं और ये मेरी ये लंगड़ा लुढ़ा को देख हंस रहे हैं। उनका मन खराब हो गया, जब खराब हो गया चले गए, लेकिन इनके हृदय में जो लीला स्फूर्ति हो रही थी ना, जो सुंदर सुंदर लीला देख रहे थे, हटा तो खत्म। क्योंकि संत चरण में अपराध होने से क्या होता है, भक्ति जगत से क्यों तो होना पड़ता है, हैं? वो सारे खत्म हो गए, वो बड़े विचलित तो हो गए, व्याकुल हो गए, बहुत कोशिश किया स्मरण करने के लिए, लेकिन और किसी तरह से प्रभु की लीला हृदय में स्फूर्ति नहीं हो रही, बड़े दुखी हुए। सनातन गोस्वामी के पास में आए, सारे बात को बताए ऐसे ऐसे। सनातन गोस्वामी सब जानते हैं, कब ये भक्ति लता उखड़े कब जाती है, भक्ति में जो रुचि कब खत्म होती है, भजन करने में खत्म कब कब हो जाती है, भजन में मन क्यों नहीं लगता है, जब किसी संतों को चरण में अपराध, वैष्णव को चरण में, गुरु जी के चरण में। इसलिए उन्होंने समझ गए दाल में कुछ काला है, बोले एक काम करो रूप गोस्वामी, एक तुम सभा आयोजन करा, वैष्णव सभा, और वहां फीस दो, सारे संतों को निमंत्रण दो। अभी जो तुम्हारे पर राजी वो तो आएंगे, जो नाराज हो नहीं आएंगे, पता चल जाएगा कहां पर तुम्हारी कांटा गए। तब उन्हें सबको उन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया, सब स्वीकार किया। लेकिन जब श्री खंजक कृष्णदास के पास में गए, बोले आप कृपा करके भंडारे में आना। बोले कहां हम लंगड़े लुड़े, आप कहां इतने बड़े संत हो, हम कहां आपके घर में आ सकते हैं, भंडारे में मैं नहीं आ सकता। समझ गए कांटा ही पर गड़ी, कांटा ही पर गड़ी। क्योंकि उनको याद आया जब वो लीला देख करके हंस रहे थे उसी समय में ये सामने जा रहे थे, हैं? समझ गए कांटा यहीं पर गड़ गई। फिर उनको चरण में गिरे, बोले देखो बाबा मेरी याद आ रहा है, मैं ऐसे ऐसे राधा रानी कैसे पुष्प चयन करती है, कृष्ण कैसे पेड़ में बैठ गए और पैर को छोड़ते ही कैसे राधा रानी को ऊपर उठा करके ले गया, उसको देख करके मैं हंस गया। आपको देख कर मैंने हंसा नहीं, अपराध माफ कर दो। जो उन्होंने ये बात बताई उन्होंने भी देखा मेरा भी अपराध हो गया, क्योंकि बिना कारण के कारण किसी संतों के ऊपर बदनामी करना, किसी संतों के ऊपर दोषारोप करना, ये भी तो अपराध है। उन्होंने समझ गए भैया मेरा भी अपराध हो गया, दोनों चरण में प्रणाम करके माफी मांगे, फिर जाकर के अपराध उनकी माफ हो गया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो वैष्णव अपराध है बहुत खतरा है, इतने खतरा वैष्णव अपराध भागवत में दक्ष प्रजापति की कथा आई है। जिस समय दक्ष प्रजापति मतलब सारे देवताओं का राजा बने थे, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बना दिया, प्रजापति बहुत बड़ा पद है, लेकिन यहाँ पर कहते प्रभुता आई काम धनाई,
समझ गए हो? प्रभुता आई, समझ गए कि नहीं? ये पोस्ट ऐसे की चीज है ना, अगर किसको थोड़ी सी बड़ा ऊंचा पोस्ट पद मिल जाए, गोस्वामी जी कहते जगत में इसे कौन सा व्यक्ति है जिसको ये पोस्ट की अभिमान नहीं हो? ये अभिमान नहीं, कोई अगर अच्छा कोई पद आ जाए ना, अपने आप उसके अंदर में घमंड और अभिमान आ जाते हैं, घमंड अभिमान आ जाते। उसने क्या किया? ये घमंड को शंकर जी को चरण में अपराध उन्होंने किया है, जब उन्होंने सारे देवता लोग आकर बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति जान बुझ करके लास्ट में आए, सबके सब खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा एक शंकर। दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे कर देख रहा था, कौन स्वागत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखा दो व्यक्ति खड़े हुए, बोले कोई बात नहीं, ब्रह्मा तो पिताजी है लेकिन शंकर मेरे दामाद है, मैं सबसे छोटी प्यारी जो सती जो सबसे सुंदरी थी उस सती को मैंने उसको दिया ब्रह्मा जी बोलने पर, ये लायक था नहीं, बंदर आंख वाले भांग खाने वाले शमशान रहता है, भूत पिशाच को साथ में घूमता रहता है, अपवित्र शरीर ये है, कहां इसको मैं अपना बेटी देता ब्रह्मा बोलने पर देता, और मैं आया तो उसमें ससुर लगता हूँ पिताजी, और पिताजी को देख कर थोड़ा खड़े भी नहीं हो पाए, इसे गाली दिया शंकर जी को। लेकिन शंकर तो बैठे बैठे कर मुस्कुरा रहे थे, अगर किसी व्यक्ति को आप गाली दो अगर कोई मुस्कुराए फिर क्या होता है? बड़ा क्रोध आता है कि धूर्त तो, मैं इसको गाली दे रहा हूँ बैठी बैठी कर मुस्कुरा रहे हैं, है? मुस्कुरा रहे बैठी बैठी करके, फिर तो गाली दी, बोले भव व्रता धैराज जे चतान समान व्रता पाखंडी नस्त भव तो सत शास्त्र प्रतिबंध रहो। उन्होंने अभिशाप दिया, बोले जितने शंकर जी के भक्त हो सब पाखंडी बन जाएंगे, अपवित्र रहेंगे, भूत विशाच को साथ में रहेंगे, इनकी हाँ अभद्र भजन भोकर भजन, इसे गाली दिए, गाली दिए शंकर जी को। लेकिन शंकर जी तो सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव, सब कुछ पीने वाले है, इसलिए सब कुछ हजम करने वाले शंकर जी है, लेकिन उनने कुछ भी नहीं बोले, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। लेकिन वो शंकर जी के चरण में जो अपराध हुई है, परिणाम क्या हुआ? दक्ष प्रजापति का सर एक बार कट गया, और जिस समय उनकी निंदा चुगली हो रही थी, जो उस समय जो उनको अनुवदन कर रहे थे, कोई ऐसे आग थे बहुत बढ़िया हो रहे शंकर जी बदनामी, कोई हंस रहे था आनंद आ रहा है शंकर जी की बदनामी, कोई अपना दाढ़ी हिला रहा था, क्या किया शंकर जी की वीरभद्र ने, जो इसे आग कर रहे थे ना उनका आग ही निकाल लिए, जो दांत निकल रहे थे दांत को तोड़ दिए, जो दाढ़ी हिला रहा था दाढ़ी को उखाड़ दिया जिंदा जिंदा, और वो बल्कि वहां सभा में जो थे, जो सभा में भी थे किसी को भी नहीं छोड़े, किसका हाथ तोड़े किसको पाल तोड़े किसको सब, इतना यहाँ पर शिक्षा लास्ट में क्या दिया है, बोले भैया जब कोई महत व्यक्ति हो, कोई महान साधु अगर हो, अगर कहीं उसकी अपमान हो रही है उसमें कभी अनुबोधन मत करो, कभी उसमें अनुबोधन मत करो, जो अनुबोधन अगर करोगे किसी महान संत की बदनामी में, भैया इसका पाप भी भोगना पड़ेगा, इतने खतरा है, इतने खतरा है ये चीजें है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिसके चरण में अपराध हो जाए ना जाकर के माफी मांग लो, उनके चरण में अगर वो जिंदा है जाकर उनको माफी मांग लो, अगर चले गए वो संत फिर क्या करो? बोले रो रो करके उनको स्मरण करो और भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम भी इतने शक्ति को भी नष्ट कर देता है, उसको वो नष्ट कर देता है, भगवान के नाम में इतने शक्ति है। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते देखो यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े बाद छिंडे तार सुखी जाए पाता। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पेड़ है ना, अगर उसको टहनी आप काट दो फिर दोबारा है ना, फिर दो बार हो जाती है पेड़ हो जाती है, लेकिन अगर किसको जड़ समेत उखाड़ दो फिर तो गया, अगर जड़ से उखाड़ दो हाथी क्या करता है सूंड में पकड़ेगा उखाड़ देता है। इसलिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर किसी साधु गुरु वैष्णव अपराध हो गया ना, हृदय सूख जाती है, फिर हरिनाम में रुचि नहीं आएगी, भजन में रुचि नहीं आएगी, कथा में रुचि नहीं आएगी, वैष्णव सेवा में रुचि नहीं आएगी, किसी चीज में तुम्हारी रुचि नहीं और अच्छी नहीं लगेगी भगवान भजन, क्यों? संत के चरण में अपराध किए, और भगवान कहते संत मेरे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संत,
अगर मेरे हाथ भी अगर कभी संतों का विरोध हो जाएगा तो उसको भी मैं काट दूंगा। भगवान कहते हैं मैं भी अपना हाथों को भी मैं माफ नहीं करूंगा। तो संत मेरे इतने प्यारे हैं, संत मेरे हैं इतने प्यारे हैं, इसलिए कहते हैं ताते माली जतन करी करे आवरण अपराध हस्तिर जैसे ना है उद्गम। महाप्रभु कहते हैं शिक्षा से बात बताए, जैसे हमने कोई पौधा लगाए हैं, पौधा लगाए यहाँ पर तो बकरी गया है नहीं, भारत में तो बहुत बकरी गया घूमते हैं। हाँ आप देखना जैसे कोई पौधा लता लगाते हैं ना, कभी क्या होता है वहां पर आकर बकरी खा जाते हैं, गैया कभी कभी खा जाते कि नहीं। इसलिए हमारे भारत में बाढ़ लगा देते हैं चार तरफ में, बाढ़ लगाते चार तरफ में, जैसे कोई गैया बकरी आकर के उसको खा नहीं जाए। तो यहाँ पर कहते भैया वो क्या चीज है, वो बाढ़ क्या चीज है। यहाँ पर कहते हैं ये असत्संग है। जैसे देखो ये बिल्डिंग बनाने में कितना दिन लगा था प्रभु जी, कितना दिन में इसको बनाया था घर को, 6 महीना में। अगर उसको तोड़ना चाहे तो कितना दिन लगेगा, बोल्डर लाओ 1 घंटा में फेंक मार देगा है ना, बोल्डर लाओ 1 घंटा में इसको उखाड़ करके बराबर कर देगा है नहीं। इसलिए आप देखना ये भक्ति रूपी जो जीवन को बनाना बड़ा कठिन है, बड़े सावधान से एक जीवन सारा जीवन भक्ति करे है, भगवान की भजन करते रहे, ये बड़ा कठिन है भक्ति। लेकिन उसको उखाड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए समय नहीं लगता है। कोई असत व्यक्ति का संगत में बैठ जाए भक्ति व्यक्ति क्या होता है, क्या गले में कंठी तिलक लगा लिया, क्या माला लेकर दिन में बैठ, बेकार काम सब। भगवान भगवान किसी ने देखा है, अगर किसी असत संग को साथ में बैठ जाओगे ना, एक दिन में गले से कंठी तिलक उतर उतर कर फेंक दोगे इसीलिए कहते भैया असत संग सर्वनाश, साधु संग स्वर्गवास, असत संग सर्वनाश। इसलिए कहते जो असत संग है, जो अवैष्णव का जो संग है ना, इतने खतरा है, इतने खतरा है। वैष्णव संग जितने उन्नत है, असत संग भी उतना नीचा है। जितने उच्च संग है वैष्णव संग जितना श्रेष्ठ है, कहते असत संग इतना गड़बड़ी है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर आप भक्ति करना है ना भैया, इस सब गंदे चीज से, गंदे लोग से दूर रहा करो, ऐसे संग करो। भगवान कहते ना मदगता मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपना भक्तों का लक्षण कहते, मेरे भक्त कहता है क्या, मतलब मदगता मेरी कथा करते, मदगता चिंता किसकी चिंता करते, मेरी चिंता करते, बधयते इस परस्परम आपस आपस में मेरी चर्चा करते हैं, कथयन्ति च माम नित्यम नित्य ही मेरी कथा मेरी गुणगान करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही उनका जीवन है। भगवान की कथा जीवन है, भगवान की भक्ति जीवन है, भगवान की भजन ही इनका जीवन है, सब कुछ भगवान की भक्ति इनका जीवन है भक्तों का, ठीक है ना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वहां पर कहते हैं, अगर जिनको भक्ति करना है, कहते 6 चीज से दूर रहो। कितना चीज से? 6 चीज से दूर रहो। बोले क्या है, बोले अत्याहार। अत्याहार मतलब जितने जरूरत है उतना संग्रह करो, जरूरत से ज्यादा संग्रह को मत करो, मना करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के किसी व्यक्ति को अगर भजन के लिए बोला ना, बोले नहीं बच्चों के लिए कुछ संग्रह करके जाओ ना, गुरुदेव बोलते बच्चे के लिए संग्रह मत करो, मना करते थे। बोले क्यों, बोले बच्चे हो ना हार होगा तो कमा ही लेगा, नालायक ही बनेगा ना, वो मांस मदिरा जुआ खेलकर सब सत्यानाश करेगा और कुछ नहीं करेगा। गुरुदेव कहते थे सत्यानाश कर देगा तुम्हारी है, जितने तू कमा कर जा रहे हो सब उड़ा देगा वो, उसको तो पता नहीं ना पिता माता कितना कष्ट कर कमाए, वो सोचेगा था मफत अपनी आप से मिल गया। गुरुदेव कहते नहीं, ज्यादा मत कमा कर रखो, ऐसे चीज कमाओ प्रभु का, गुरुदेव कहते हरिनाम कमाओ, भजन कमाओ, जो तुम्हारी इसी जीवन में काम आएगा, अगले जीवन में यही काम आएगा। आंख बंद होते ही सारे नाता यहाँ खत्म, तुम्हारी एक सुई धागा भी यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जाएगी है। पत्नी रो रो कर जाएगा तो दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाए तो शमशान तक जाएंगी, खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके जला करके वापस आ जाएगी, उसको आगे कोई नहीं जाएगा, आगे क्या जाएगा। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, जितने प्रभु का भजन कर रही हुई धन काम में आएगा, और कोई धन तुम्हारी काम में आने वाले
नहीं, इसलिए गुरु जी कहते थे बच्चों के लिए ज्यादा मत कमा करके जाओ, ठीक है, ऐसे धन कमाओ जो कि इसी जीवन में आप भी धनी बनोगे, अगले जीवन में आप ही धनी बनोगे। कौन सा धन है? भगवान के नाम धन, गुरुदेव के, ये धन को कमाओ, ये धन को कमाओ। इसलिए कहते हैं अत्याहार, मतलब प्रयोजन से ज्यादा ज्यादा वस्तु को इकट्ठा करना मना करते, क्योंकि ज्यादा इकट्ठे करोगे। एक अच्छी चीज को समझो, गुरुदेव जो बोलते थे, जैसे हमने बहुत कुछ पैसा जगत में छोड़ कर गए, आंख बंद होते ही बहुत पैसा छोड़ कर गए, तो गुरुदेव कहते थे जितने पैसा तुमने छोड़ कर गए उसी के लिए जितने समय तुमने लगाया वो समय तुम्हारी बर्बाद गया कि नहीं? क्योंकि उसको तो तू छोड़ कर गया ना, वो तो तुम्हारे काम में नहीं लगा, वो चीज तो तुम्हारे काम में लगी नहीं। जब तुम्हारे काम में नहीं लगी वो चीज, उसी के लिए तुमने जितने समय लगाया वो समय तुम्हारे व्यर्थ गया कि नहीं? वो व्यर्थ गया है, व्यर्थ गया, व्यर्थ बेकार गया है। बल्कि बच्चे के लिए ज्यादा कमा करके जाओ कि बच्चा अगर उसको गलत काम पर लगाए। इसलिए पुराण में कथा आती है, बोले एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया था, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सर या चामर भजन कर रही थी, लेकिन उस स्वर्ग में बैठ बैठ कर रो रहा है, बेहोश हो रहा था। जोगी ने पूछा, भैया तू इतने दान पुण्य कर्म करके स्वर्ग में है यहाँ रो रहे? क्यों? बोले मेरे से गलती हो गई। बोले क्या है? बोले बच्चों को मैंने सतमार्ग नहीं दिखाया, क्योंकि जो पैसा मैंने छोड़ करके आया था, पैसा से बच्चे मांस खा रहे, मदिरा खा रहे, जुआ खेल रहे, चूंकि पैसा मैंने ही छोड़ करके आया, मेरा ही पैसा था और मेरी पैसा को गलत काम में लगा रहे हैं, ये मेरे को ये स्वर्ग में भी ये पाप कर्म नहीं छोड़ रहा, स्वर्ग में भी ये पाप कर्म हमें छोड़ नहीं रहा है। इसका सावधान कर देते भैया, ज्यादा पैसा संग्रह मत करो। हाँ, अगर वो चीज परवर्ती समय में भगवान की सेवा में अगर तुम्हारी लगेगी, ठाकुर को सेवा में लगी, फिर तो कमा करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज को कमा करके जाओ। क्यों? बाद में वो पैसा तुम्हारी भगवान की सेवा में लगेगा, ठाकुर जी की सेवा में लगेगी, तभी पैसा की तुम्हारी सार्थकता है, क्योंकि प्रभु की सेवा में वो चीज लगेगी। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार, मतलब प्रयोजन से ज्यादा वस्तुओं को संग्रह करना, की भक्ति की प्रतिकूल वस्तु है। प्रत्याहार प्रयास शास्त्र, बोले किस चीज में प्रचेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, खूब चेष्टा करो। किस चीज में चेष्टा करनी चाहिए? प्रभु की भजन के लिए चेष्टा करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति के लिए चेष्टा करो। दूसरे चीज में प्रयास नहीं करनी चाहिए, जिसमें तुम्हारी भक्ति की बाधा है, भजन से बाहर चली जाओगे, भक्ति की प्रतिकूल वस्तु में जाओगे, इसलिए इसमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। है प्रत्याहार प्रयास शास्त्र। तीसरा प्रजल्प, प्रजल्प मतलब क्या है? बोले भगवान की कथाओं को छोड़ करके और जितने सारे दुनिया की बात, ये प्रजल्प है, ये सब के सब प्रजल्प है। इसलिए बोलो, खूब बोलो, दिन भर बोलो, कोई बात नहीं, हरि कथा बोलो, प्रभु का कीर्तन करो, है बोलना है ना, ज्यादा दिन भर बोलो ना, मना करो करता है, माला लेकर हरिनाम करो ना, भगवान भक्ति करो। इसलिए कहते प्रजल्प, भगवान की कथा छोड़ करके दूसरे बात हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते ये महाभारत क्यों हुआ है? द्रौपदी इतनी सी बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा, केवल इतनी सी बात के लिए सारे हमारे घर में भी कोई महाभारत हो जाते, भैया नहीं बात, जुआ कैसे स्लीप हो गया, सास बहु, बहु सास, नहीं तो पति पत्नी, पत्नी पति से बहुत कुछ बात बोल दिया, बेटा माँ से, माँ बेटा के, कोई जुआ स्लीप कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी सी जुआ स्लीप हो गया, देखना इतनी सी बात पर हमारे घर में भी महाभारत लड़ाई हो जाती है। इसलिए कहते भैया बाच बेगम, इसलिए रूप गोस्वामी कहते बाच बेगम, ये जुआ देखना, गुरुदेव कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी सीधा हो जाती है, हड्डी हड्डी किसमें नहीं है? जीभ में नहीं। ये लपर लपर दिन भर बोलता रहेगा, चुप नहीं बैठेगा, ये चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ ये बोलता रहेगा, है ये बिना बोल, बिना बोले वगैरह रह नहीं सकता है। इसलिए कहते भैया बोलना है ना, इसलिए महाप्रभु बोल माला लेकर हरिनाम करना, दिन भर हरिनाम करो, दिन भर बोलो, मना करो करता है, बोलना दूसरों को, भगवान की कथा सुनाओ, ठाकुर जी की चर्चा करो, ठाकुर जी कथा सुनाओ, मना करो करता है, दिन भर भजन करो,
है, इसलिए यहाँ पर प्रजल्प पहले नियम आग्रह, नियम कहते नियम आग्रह और नियम आग्रह, यह दो बात आती है। नियम आग्रह मतलब होता है कभी कभी हम बहुत सारे नियम को पालन कर लेते हैं, बहुत सारे नियम को, ये करना वो करना वो नियम करना वो नियम करना, बहुत सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, हैं? जब हम लोग गांव में उधर थे ना, हमारे गांव में बोलते थे भाई शंकर जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो और देवी मैया की पूजा करो, शनिचर को पूजा करो, सब बैठा करके एक दो डेढ़ घंटा बैठो, दो घंटा बैठ, अगर अगर उसी दिन अगर किसी एक देवता को पूजा नहीं हो पाए ना, मन में डर जाते थे भगवान आज इसी देवा को पूजा नहीं किया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम आज उसी देवता को पूजा नहीं किया, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो ना, अरे आज हमने वो देवता को पूजा नहीं किया ना, इसलिए इसलिए कभी कभी हम सोचते थे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ी है, ये तो जगत में 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ, एक को मनाओ दूसरे को भुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगी, है अभी ऐसे कोई देवता नहीं। जो गौड़ीय मठ में जो सिद्धांत सुने बहुत खुश हो गए, बोले भैया ये बढ़िया है, जो भागवत सुने आकर के, शास्त्र कथा सुने, जब उन्होंने उदाहरण दिया जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में पानी दे दो क्या होता है, तुम और कोई टहनिया लता पता में पानी देने का जरूरत नहीं, क्यों पेड़ में जड़ में पानी दे दिया, वो पूरा के पूरा लता पता फल में चली गई, चली गई कि नहीं। अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे, उसके फूल में पत्ते में फल में दिन भर पानी देते रहो, लेकिन जड़ में पानी नहीं देते, वो पेड़ जिंदा रहेगा क्या, जिंदा रहेगा और मर जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, जैसे भोजन अगर हम पेट में दे देते ना, ये आंख भी काम करता है, कान भी देखता है, हाथ भी काम करेगा, प्यार भी चलेगा, अगर मुंह में अगर कोई आहार नहीं दे, कान में चलो रोटी डाल दे, आंखों में बोले कान में सुनते ना रोटी दे दो, आंख में देखते फिर दाल डाल दो, नाक में सूंघते हैं ना थोड़ा उसमें चावल डाल दो, कोई करते हैं भोजन कहाँ देते हो, मुंह में, इसे मुंह में भोजन देने से पूरा सारी इंद्रिया तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब भगवान अच्युत को भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, फिर हमें इधर उधर किसी देवा देवी के पास में भटकने का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान विराट रूप दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड मेरे भी बैठा हुआ है। जब भगवान कृष्ण को पूजा कर दिया, विश्व ब्रह्मांड अपने आप तृप्त हो गए, क्योंकि भगवान के अंदर जो मैंने ये बात सुनी ना, मैंने कहा ये बढ़िया है, नहीं तो आज इसको पूजा नहीं किया, वहां पूजा कर दिया, उसको ये हो गया तो भैया कितना को खुश करेंगे। कि जगत में देखना ना, किसको भी मना नहीं सकते हो, किसको भी चुप नहीं करा सकते हो, हैं? इसलिए किसको भी मना नहीं सकते दुनिया में, इसलिए यहाँ पर कहते हैं नियमाग्रह, नियम में बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रखनी चाहिए, ये करनी चाहिए, इसको पूजा करनी, ये नियम, हाँ उतना नियम ग्रहण करो जितना नियम को आसानी से कर सकते हो, और भगवान कृष्ण को है संख्या पूर्वक नाम कीर्तन भगवान की भक्ति पूजा, इसमें नियम भक्ति के लिए थोड़ा नियम रखो। बहुत ज्यादा नियम में आग्रह करोगे तो इधर उधर करते करते, हमारी उधर मथुरा में क्या होता था, कुछ माता आई वहां से सवेरे 6 बजे निकलेंगे 12 बजे घर में आएंगे, बोले क्यों, बोले उसी पेड़ को पीपल पेड़ में पानी डाले वहां से 1 मिनट जाकर उसी बरगद पेड़ में पानी डालेंगे, वहां से जाकर पूजा करेंगे, वहां से जाकर पूरा सवेरे 6 बजे निकलेंगे 12 बजे ना पूरा घर में आकर पहुंचे, हाँ हमने सब पूजा करके हम आए। इसलिए कहते हैं नियम में ज्यादा नियम में आग्रह मत करो, भक्ति का नियम में आग्रह करो, जो तुम्हारी भक्ति जो बढ़ेगी, तुम्हारी प्रेम भगवान के प्रति जो बढ़ेगी, उसमें आग्रह करो, हैं? इसलिए कहते हैं नियम आग्रह, बोले जन संघर्ष मतलब होता है भगवान के भक्तों का संघ छोड़ करके दूसरे संघ में उठा मत बैठा करो, क्योंकि जगत का मूल संघ है, देखो ना संघ ही मूल है। अब जैसे व्यक्ति को साथ शराबी को साथ में बैठो, बोले भैया एक होटल ले लो, बोले नहीं हमारे घर में कोई पीते नहीं, हम पीते नहीं, बोले रोज थोड़ी पीते हो, ये शादी का माहौल, एक बार ले लो ना, ले लो एक बार ले लिया, दूसरे बार जो आदत बने, बोले निकाला अपना पॉकेट से पैसे निकाला, मतलब संगत जो आप जैसे संगत में आप देखना बैठना, धीरे धीरे उसका रंग भी चढ़ना। इसलिए यहाँ पर कहते भैया असत संग से दूर रहो, असत संग से
दूर रहो, जो भगवान की कथा, भगवान कीर्तन, भगवान की जहां पर नहीं है, इस संगत में दूर रहो। जन संगश्च हैं, कहते हैं लोलंच, लोभ, ज्यादा लोभ में नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा लोभ से मृत्यु होता है, ज्यादा लोभ से मृत्यु होता है। हाँ, लोभ करो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साधु संगे हरि कथा, किस चीज की लोभ करनी चाहिए? हरि कथा। जैसे आप लोग कहते लोभ है तभी तो यहाँ पर आए ना, लोभ नहीं होता थोड़ी यहाँ पर आते। लोभ, चलो सत्संग होगा, हरि कथा होगी, प्रभु की चर्चा होगी, लोभ इसी में होनी चाहिए। साधु संगे हरि कथा, इस चीज में लोभ हो, हैं? इसलिए कहते लौलज, जन संग लौलज सड़ी भक्ति विनश्यति। कहते जो छह चीज है ये भक्ति को विनाश करने वाले, ये छह चीज विनाश करने वाले। कहते भक्ति को छह चीज बढ़ाने वाले, छह चीज तो विनाश करता है लेकिन छह चीज जो भक्ति को क्या करती है, भक्ति को बढ़ाती हुई छह चीज है। कहते वो क्या है, मतलब उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संगत त्यागात, सत्वृत्ति सड़भीर भक्ति प्रसिद्धति। जो छह चीज है विनाश करती है भक्ति को, और छह चीज भक्ति को बढ़ाती हुई छह चीज। रूप गोस्वामी कहते छह चीज भक्ति को बढ़ाती है, बोले क्या है, बोले उत्साहात। भक्ति में हमारे उत्साह रहनी चाहिए, रोज उठेंगे, आरती करेंगे, ठाकुर का स्नान कराएंगे, तुलसी परिक्रमा करेंगे, ठाकुर जी को हरि नाम करेंगे, किताब रामायण भागवत पढ़ेंगे, हैं? उत्साह, भक्ति में उत्साह रहनी चाहिए, भक्ति में उत्साह रहनी चाहिए। जिसको अंदर में निरुत्साहित व्यक्ति अब तक कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो जाता, लेकिन कभी कभी हम तो उत्साह तो दुनियादारी में हो जाती है, लेकिन भक्ति में उत्साह होना बड़ा कठिन होता है। भक्ति में उत्साह नहीं, दूसरी चीज हो ना उसमें बड़ी उत्साह आती है, दूसरे दूसरे चीज में तो ये करना, वो करना, वहां जाना, ये करना, लेकिन जब भक्ति की बात बोलो ना, नींद आ रही है, तकिया ले आओ, सोने जाएंगे। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं झूमे झूमे तलाश वाले जदि अन्य कथा पाओ, अगर दूसरी बात अगर बोले ना आटिया साटिया का हो, जोश आ जाती है, बोले मैंने भूत देखा था, अरे मैंने 10 साल का भूत देखा था, बोले मैंने वहां सांप देखा था, अरे मैंने भी बहुत पढ़ा। अब देखना उसमें दूसरा बात हो ना, उत्साह आ जाती है, लेकिन प्रभु की भक्ति की बात बोले ना नींद आती है। इसलिए उत्साह किसमें आ जाइए, उत्साह प्रभु की भक्ति में उत्साह आने चाहिए। उत्साह निश्चयात, निश्चयात मतलब हम जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे, जरूर प्रभु हमें मिलेंगे। भैया जब सभी हर चीज में सब चीज प्राप्त करते हैं तो भगवान हमें क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान हमें निश्चिंत रूप में भगवान हमें मिलेंगे ही। उसमें निश्चय करो, धैर्य धीरज धारण करो, ऐसे नहीं गुरुदेव माला जप करते करते काला होगी, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। किसने किसने गुरु जी का आग्रह बोले, और भक्त नारायण बोले गुरुदेव कुछ हो ही नहीं रहा है। गुरुदेव बोले मेरा 60 वर्ष हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तू 10 साल मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, अभी ये एग्जाम्पल को समझ लो। गुरुदेव उनको उदाहरण देकर बताया, बोले एक समय कृष्ण अर्जुन जा रहे थे तो इतने में कृष्ण ने कहा अर्जुन बड़ी प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी देखो। बोले ठीक है ठाकुर बैठो मैं देखता हूँ। और ढूंढते जब वहां गए थे जमुना, वहां बह रही थी और बड़ी सुंदरी एक लड़की, अपूर्व सुंदरी, तेजस्वी पूर्ण एक लड़की बैठी तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन वहां पर जब गए देखा अकेली इतनी सुंदरी लड़की भजन कर रही है, बोले तुम्हारे नाम क्या है? बोले मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी जमुना है, कालिंदी यमुना ही कालिंदी। बोले यहाँ क्या कर रही हो? बोले भगवान कृष्ण को पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो बोले कितने दिन से तपस्या कर रही हो? कहते कितने ब्रह्मा चले गए, कितने ब्रह्मा चले गए कृष्ण को पाने के लिए, हम यहाँ पर बैठ करके हम तपस्या कर रहे। हाँ गुरुदेव कहते थे एक ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग है, कितने करोड़ साल है, और एक ब्रह्मा चले गए 1 साल चले ब्रह्मा, वो कह रही है कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रहे। तो गुरुदेव कहते थे कालिंदी जैसे कृष्ण को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या कर रही है, कितने ब्रह्मा चले गए, तू 2-3 साल आ करके तो कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं, गुरुदेव उदाहरण देते, कुछ भी नहीं, नहीं बेटा भजन करते रहो, धीरे से धारण करो, एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे, तुमको मिलेंगे। इस जगत में देखो, एक बच्चा सीए करने के लिए, नहीं तो कोई इंजीनियर बनने के लिए कितना कितना साल लगता है, 25 साल लग जाती है ना, 25 साल लग जाती है। कितने जो एग्जाम आता है, पेपर आता है, 10-10, 15-15 घंटा पढ़ता है, कल पेपर आता है, रात भर घुस होता ही नहीं, पूरा पुस्तकों को दिमाग में लाकर पेपर देता है। ऐसे कितने कष्ट करके जहाँ पर एक नौकरी मिलता है, और वो नौकरी को भी शांति मिल जाती है, पैसा कमाने पर क्या शांति सुख मिल जाती है, नहीं। तो इसके लिए जब इतना परिश्रम करते हो और भगवान भजन के लिए करने के लिए नहीं, गुरुदेव कहते बेटा भजन करो, हरि नाम करो, ऐसे मत समझो कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, अंदर में हो रहा है, अंदर में भगवान जो भजन कर रहे हो। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बनत सवार, भक्ति कभी घटेगी नहीं, भक्ति जो कुछ कर रहे हैं वो सब के सब हमारे संचित हो रही है, सब के सब ये संचित हो रही, इसलिए निरुत्साहित मत हो, गुरुदेव कहते थे हैं। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे सबर की, सबर की गुरुदेव उदाहरण देते थे। सबर का नाम सुने रामायण में, जब मातंग ऋषि से उनका परिचय हुआ ना, जब सबर की शादी की व्यवस्था हुई और कुछ बकरियों को उन्होंने लेकर के कुछ बकरियों को लाए थे, तो उन्होंने बेटी ने पूछा, भैया क्या क्या देख रहे हो, चले जाओ। इसलिए उन्होंने एक दिन तक कुछ बकरियों को बोले, पिताजी बकरी क्यों लाए, बोले बेटी तेरी शादी होगी ना, ये भोज देंगे बकरियों को, हाँ जो बरातों को खिलाएंगे। बोले मेरे शादी शुभ विवाह है, अरे मेरी शादी के लिए इतना बकरी बलिदान, इतने जीव हिंसा, ऐसे शादी की जरूरत नहीं, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, घर छोड़कर भाग गए उसने। और उनने मातंग ऋषि की शरण उन्हें लिया है, मातंग ऋषि उन्होंने शरण लिया है, और मातंग ऋषि उनको वरदान देकर गए थे, बोले बेटी एक दिन स्वयं परम ब्रह्म भगवान अकेले नहीं, अपना छोटे भाई को साथ में आएंगे, सबसे पहले तेरे घर में आएंगे, सबसे पहले तेरे पास में आए। उस समय मातंग की तुम जवानी थी, भगवान कब आए, कितने हजार साल को बाद में आए भगवान राम, कितने हजार साल को भगवान राम आए, लेकिन गुरुदेव बोल कर गए एक दिन ठाकुर जी आएंगे पास, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आए क्या आर ना करिए मने आस, गुरुदेव बोल कर गए आएंगे। इसको दृढ़ विश्वास करके क्या करती थी, रोज रोज बेर ला कर रखती थी, रोज रोज ताजी, रोज रोज फूल लाती है, रास्ता पर बिछाती है, और ऐसे बैठ जाती, गुरुदेव बोले आएंगे ठाकुर जी जरूर एक दिन, ठाकुर आए, कितने हजार साल के बाद में स्वयं भगवान राम वहां आते हैं, ठाकुर जी स्वयं वहां आते हैं, ठाकुर का चरण धोती है, आंसुओं से भगवान उसको नव विद्या भक्ति की शिक्षा प्रदान करती है सबर को, हैं। इसलिए गुरुदेव के द्वारा धीरज, सबर का देख लो धीरज कैसे कैसे धीरज उसकी, और सचमुच से एक दिन ठाकुर जी वहां पर आए, ठाकुर जी वहां पर एक दिन ठाकुर जी आए। इसलिए कहते हैं क्या करने चाहिए, धैर्य धारण करनी चाहिए, ठीक है ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो काम करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, वही काम को करेंगे, जो काम करने से ठाकुर जी का प्रसन्नता नहीं, वो काम हम जीवन में नहीं करेंगे। संग त्यागात, मतलब असत संग से, दुसंग से दूर रहो। सत्वृत्ति, सत्वृत्ति मतलब हमारे पूर्व पूर्व पहले जो संत लोग आए, जिन उन लोगों ने जैसे भजन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भजन किया, तुलसीदास जैसे, मीरा ने जैसे भजन की, जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जैसे भजन किया है, उसी भजन के अनुरूप हमें क्या करनी चाहिए, उन्हें जैसे साधन भजन करते थे हम भी वैसे साधन भजन करेंगे, हैं। तब जो छह चीज है ना, ये भक्ति को बढ़ाने वाले छह चीज, और छह चीज भक्ति को नष्ट करने वाली। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वो जो लता है ना, उसको चारों तरफ में बाड़ लगा दो, जैसे कोई बकरी और कोई गैया आकर खा नहीं सके, उसको जैसे नष्ट नहीं कर सके, उसको चारों तरफ में बाड़ लगा दो। फिर यहाँ पर कहते हैं यदि किंतु यदि लतार संग उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बाछा जात असंख्य तार लेखा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अब लोग कोई पेड़ लगाए हो, यहाँ पर तो सब पेड़ लगाते हो, अब देखना जैसे कोई पेड़ लगाया, जैसे लता कोई वृक्ष लगाए ना, अब देखना ठीक उसको पास में और भी कुछ वृक्ष अपने आप उग जाती है, अपने आप वो वृक्ष उग जाती है,
अब कभी कभी देखना धान की पेड़ लगा, कभी चावल का पेड़ लगाया, कभी नहीं लगाया ना, धान की पेड़ लगाना। जब लगाते है ना, देखना उसको पास में, और एक जो श्यामा चावल होता है ना, वो एक श्यामा चावल उसको पास में निकलती है। वो जो धान देखने में जितने सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर वो पास वाले जीते होता है, एकदम काले होकर के इतने बड़ा निकलेगा। लेकिन जो मूल जो वृक्ष है ना, वो एक है छोटा, लेकिन उसके चारी तरफ में जो श्यामा वो वृक्ष इतने हरा भरा होता है। और लेकिन जो सच्चे जो किसान है उनको पता है ये मूल वृक्ष कौन सा, और उसको इधर उधर का जो आगाछा मतलब इधर उधर का जो वृक्ष उसको पता है। वो क्या करता है, वो जो पास में जो वृक्ष जो उससे देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसको उसने उखाड़ देता है। क्योंकि उसको नहीं उखाड़ेगा तो जो मूल वृक्ष को जो रस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा, और दूसरे वृक्ष सब खींच लेगा, और जो मूल वृक्ष को ढक देगा, मूल वृक्ष को ढक देगा तो क्या होगा, गया गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं, जब ये भक्ति लता बढ़ती है ना, उसको आस पास में भी फिर इधर उधर कुछ उग जाती है, लेकिन वो देखने के लिए उससे सुंदर होगा, उससे सुंदर होगा। लेकिन जो असली जो माली है, असली जो किसान, उसको पता है ये मूल वृक्ष कौन, और उल्टा पुल्टा वृक्ष कौन, वो क्या करता है उसको उसको पुकार करके फेंक देता है। फेंक देगा तो फिर जो मूल जो वृक्ष है उसको सारे सार उसको मिलेगा, फिर वो वृक्ष धीरे 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 बढ़ती जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कहते भैया वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, पहला नंबर बोले लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा है। अब थोड़ी सी कोई साधारण भजन ठीक ठीक से, थोड़ी ठीक ठीक से करो, देखना इसकी इतने प्रभाव है ना, इतने प्रभाव। बताए ना साधन का दो लक्षण, क्लेश अग्नि सुभदा, रूप गोस्वामी कहते उसका दो लक्षण है। क्लेश अग्नि मतलब होता है सही सही कोई साधन करे उसका जीवन का जितने दुख कष्ट अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप सारी यहाँ की कहते कूट बीज है। इसलिए जितने उसकी अनर्थ है, जितने सबके सब है, जितने सबके सब खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरा लक्षण क्या, सुभदा, सुभदा मतलब होता है सारा दुनिया में उसको जय जयकार करने लग जाएगी, सारा दुनिया उसको पूजा करना शुरू कर देगा, सारा दुनिया उसको प्रतिष्ठा देना शुरू कर देगा अपने आप। इसलिए हरिदास ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर जो बेसिया थी ना, जो लखिया बेसिया जो हरिदास ठाकुर को नष्ट करने के लिए गई थी, हैं जो तीन तीन रात में हरिदास ठाकुर उसको संत बना दिया, वो गई थी तो हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए, लेकिन तीन दिन में उनको उनको भक्त बना दिया। जब तीन दिन में भक्त बना दी तो उन्होंने बोले देख बेटी तू यहीं पर बैठे, यहीं पर बैठे, तुलसी वृक्ष दे दिया, तुलसी की सेवा करना, परिक्रमा करना, तुलसी पूजा करना, पानी देना, और ये कुटिया में तुम रहा करो, बोले खाने के लिए कोई चिंता मत करो, खाने के लिए कोई चिंता मत करो, भगवान सब व्यवस्था कर देंगे, रोज बैठ करके 1,00,000 हरिनाम जप करो, 1,00,000 हरिनाम जप करो, खाने पीने का कोई चिंता मत करो, सब पहुंचे। जब उसने भजन करना शुरू की, सारा दुनिया में टहलका मच गई, बोले जानते हो जो लखीरा जो बेस्या थी परम सुंदरी है, म्यूजिक वर्ष थी विश्व सुंदरी, वो हरिदास ठाकुर ने उसको संत बना दिया, उसको साधु बना दिया। वो गई थी पतन कराने के लिए संत को, लेकिन उल्टा नीचे खुद गिर गई है, उसको संत बना दिया। ये कथा सुनते ही जितने दूर दूर से लोग देखने के लिए आए, खाने पीना कपड़ा लता से उनको भर दिया। वो बोल रही थी कहां से खाना, बोले बेटी कोई चिंता मत करो खाने पीने के लिए, भजन करो बेटी करके, सब कुछ उनको ढेर लगा दी है, ढेर लगा दिए उनको, और वो उतना रखती थी जितना जरूरत है सबके सब बांट देती थी सब, और जितना ही रखती थी जितना अपना अपना जीविका निर्वाह करने के लिए। इसलिए भजन करने से पहले आरंभ कर, बोले उसको क्या सुभदा, सारा दुनिया में जय जयकार होने लग जाएगी। गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक समय एक पुलिस इंस्पेक्टर, किसने कोई चोरी कोई किया है, हैं कोई एक क्रिमिनल केस हो गई, उसने ढूंढने के लिए जंगल में जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, अपना पुलिस ड्रेस को छोड़ दिया और भगवान ड्रेस पहन लिया, साधु ड्रेस पहन करके, और नाटक नाटक करने के लिए उसने किया कि
वो गई ढूंढने के लिए और जा करके ना जान बुझ कर जंगल में, जिस जंगल में वो सब क्रिमिनल सब लोग रहते थे, वहां पर जा करके बैठ गई, ढोक करके बात नहीं करता है, किसी को बोलता नहीं, क्योंकि तो पकड़ना था ना उसको, पकड़ना था है, इसलिए किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप। इतने में हल्ला हो गया, अरे बड़े तेजस्वी साधु जंगल में भजन कर रहा है, कुछ बात किससे नहीं करता है, हैं? और कुछ खाता भी नहीं, खाता है तो सुबह रात में, लेकिन ऊपर से वो पकड़ने के लिए गया ना, चोर को पकड़ने के लिए गया था, और कुछ खाता ही नहीं, क्या तेजस्वी साधु। इसका सुनते ही पूरा आस पास के जितने गांव है ना, सब लोग आने लग गए, इतने उसको सेवा करने लग गई, इतने रुपया पैसा कपड़ा लता देना शुरू कर दिया। उसको देख करके बोले, हे भगवान, हमें तो ढोंग रचा रहा था, मैं थोड़ी साधु हूँ, मैं तो ढोंग बना रहा था, साधु का मैंने बेस बनाया चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन इतने दान पुण्य मैं तो साधु बना ही नहीं, बनने से पहले इतने, अगर सचमुच से मैं साधु बनूंगा तो मेरे को क्या नहीं मिलेगा, फिर ना पुलिस नौकरी वगैरह सब छोड़ दिया, सुने छोड़कर साधु बन गया, मतलब देश में इतना अगर प्रतिष्ठा हो सकती है, सचमुच से साधु बनूंगा तो मेरा क्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जब जो भजन के लिए जाओ ना, ये सब चीज आती है, लेकिन अगर कोई चीज उसमें फंस गया, अगर उसी में दब गया, वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं किया, लाभ पूजा प्रतिष्ठा को अंदर में डूब गया, फिर तो भक्ति वहां पर खत्म। जैसे बच्चों को रोए ना, उसको हम खिलौना देकर भुला देते हैं ना, है खिलौना देकर, ऐसे ही मानो हमारी भक्ति ऊपर खत्म होगी, पर भक्ति आगे फिर बढ़ नहीं पाएगी, वो भक्ति तुम्हारी वहीं पर रह जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते, देखो ये सब चीज आएगी, लेकिन वो चीज में फंसना नहीं है, ये चीज में फंसना नहीं, कोशिश कर उसको आगे बढ़ने के लिए, उसकी आगे बढ़ने के लिए, फिर उसको आगे हम कैसे बढ़ेंगे, पर वो चीज क्या है, फिर हम उसको शाम को सुनेंगे, ठीक है, उसको हम शाम को सुनेंगे। फिर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाए, वो स्टोरी क्या है हम शाम को अच्छी तरह से सुनेंगे, कि ज्ञान किया, कर्म किया, योग किया, भक्ति किया है, ये क्या चीज है जी, महापुरुष को अच्छी कथा सुनाए, ठीक है, इसको शाम को हम लोग सुनेंगे। आज पांडव निर्जला एकादशी है, आज कोशिश करना, सबसे बड़ी एकादशी आज ही है, इसलिए जो ये एकादशी है ना, ये एकादशी को बताया कल्पतरु व्रत, कौन सा व्रत है बोलो जोर से, कल्पतरु मतलब क्या है, कल्पतरु मतलब होता है कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगो वही मिलता है, इसको कहते कल्पतरु। ये एकादशी ऐसे एक व्रत है, जो व्रत करने से ऐसे कोई चीज है ही नहीं जो तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए अब एकादशी व्रत पढ़ कर देखो, एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब क्या है, जिसको घर में पुत्र संतान नहीं होता है, एकादशी व्रत करो पुत्र होगा, इसलिए कभी कर्णपुर वर्णना करते हैं, पहले नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं था, और वो पांच भाई थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन, चार भाइयों का था बच्चे, लेकिन नंद बाबा का बच्चे नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत दान पुण्य व्रत उन्होंने बहुत किया, लेकिन घर में बच्चे ही नहीं हो, लेकिन जब उन्होंने ये पुत्रा एकादशी आई तो उन्होंने देखा, हमने तो सारे व्रत करके देखा लेकिन पुत्र नहीं हुआ, अब ये पुत्र एकादशी चला करते हैं, जब उन्होंने पुत्र एकादशी की ना, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखते हैं, क्या स्वप्न देखे, बोले श्याम चंचल चाल दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले कयो धार स्फुट मसो क्रीडांगमय अवलोक्यते, उन्होंने स्वप्न देखा दोनों, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करके सही होता है, और स्वप्न देखे दोनों का नींद खुल गई, इतने में नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है, जसोदा बोली मैंने भी एक स्वप्न देखी, आप बताओ क्या बोले, अरे मैंने देखा तेरी गोद में ना एक सुंदर बालक पड़ रहा है और तुम्हारी स्तन पान कर रहे हैं, ये दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता बिग रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच तेरे गोद में बच्चा दूध पान कर रहा है। मैया बोली मेरे स्वप्न सुन लो, बोले बताओ, बोले मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे पीछे के बालक माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़ा पकड़ कर, बोले माँ मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को दूध पिला दे, मचल रहा था, और सचमुच से उसी रात कोई मैया जसोदा ने गर्भधारण करी, दुनिया में हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाला है, हाँ नंद के लाला की, हाँ इसलिए नंद के लाला होने वाले, इसलिए इस ये एकादशी को क्या कहते हैं, कौन सा एकादशी,
पुत्रदा, आज नहीं, इसलिए उन्होंने पुत्रदा एकादशी करके पुत्र को प्राप्त किया, इसलिए पुत्रदा है। इसलिए और एक एकादशी, अलग अलग एकादशी का नाम है, इसलिए और एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब क्या, जिसको करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाते, सारे पाप नष्ट हो जाती। इसलिए इसका एक स्टोरी सुन लो, इसका एक स्टोरी सुन लो, ये पाप मोचनी। अब रोज पढ़कर देखना अलग अलग क्या थे। बोले एक समय क्या हुआ, स्वर्ग में इंद्र चंद्र समस्त देवता लोग बैठे हुए थे और वहां पर एक अप्सरा और एक अप्सरी वहां पर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते, लेकिन जो उनका जो प्रेम, नई प्रेम थी, अभी प्रेम अभी पुराना नहीं हुई, नई प्रेम नहीं, नई प्रेम में कितना आसक्ति होता है। पहले लगता है पत्नी चंद्रमुखी लगती है, हाँ चंद्रमुखी, फिर वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी होकर भड़कती है। इसलिए अभी नई नई प्रेम थी और वो पत्नी स्वर्ग का अवसरी गंधर्वी थी, दिखने बड़ी सुंदर थी। लेकिन जब दोनों ये नृत्य विद्या दिखा रहे थे ना, और वो जो गंधर्व था वो पत्नी को तरफ में बारम्बार देखे, बारम्बार उसको मुंह को तरफ में देखे, और देख करके वो जो नृत्य विद्या दिखा रहे थे, लेकिन जब बारम्बार पत्नी को तरफ में देखता तो भूलते जा रहा था नृत्य विद्या को, वो भूलते जा रहा था, इतने में गड़बड़ी हो रहा था। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट, यहाँ पर सारे देवता लोग बैठे हुए, तुम यहाँ नृत्य विद्या दिखाने के लिए आए और बीवी के तरफ में बारम्बार देख रहे हो या गलती कर रहे हो? तुम दोनों को हम अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों पिशाच जन्म में जाओ, मर्त्य जगत में पिशाच जन्म, प्रेत जन्म होकर के जाओ। पिशाच जन्म में आ गए, ये पिशाच जन्म में तो आए, लेकिन जब तक ये किसी को ऊपर में सवार होकर के खून नहीं पिएगी, छटपट छटपट कोई चीज खा नहीं पाएगी, किसी व्यक्ति को ऊपर चढ़ जाएगी, चढ़ करके उसका खून को पीते थे और बिना पिए बगैर रह नहीं सकते। ऐसे बहुत दिन तक उन लोगों ने बिताया, किसी तरह से उधार नहीं हुआ। एक दिन ये पाप मोचनी एकादशी आई, अभी दोनों बात क्या, कब तक हम ऐसे दुख कष्ट उठाए, दूसरे को खून पीकर कब तक जिंदा रहे, क्या इसी से हमारी उधार नहीं होगी? बोले देखो आज जो एकादशी, ये पाप मोचन एकादशी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगा, हमने तो पाप कर्म करके आए ना, इसलिए चलो हम ये पाप मोचन एकादशी करेंगे, किंतु जब तक ये खून नहीं पिएंगे उनको पेट नहीं भरेगा, रह नहीं सकते, रह नहीं जाएगा। बोले देखो जितने कष्ट क्यों नहीं हो, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, संपूर्ण रूप में निर्जला रह करके एकादशी व्रत को, निर्जला रह करके एकादशी व्रत को करेंगे। उन दोनों ने बहुत कष्ट करके बहुत छटपटा तो निर्जला व्रत रखा। बोले जितने कष्ट क्यों नहीं हो, भले ही मर जाएंगे लेकिन हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने जब पाप मोचन जब एकादशी व्रत किया ना, दूसरे दिन जब उन्होंने व्रत को खोले, दोनों फिर देवता अप्सरा अप्सरी बन करके स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए, इंद्र देखा, बोले इधर, बोले मेरे अभिशाप से तुम दोनों ये पिशाच शब्द प्रेत जन्म प्राप्त किया, किसके इतना हिम्मत तुमको मुक्ति कर दिया, क्योंकि इंद्र के अभिशाप से कोई तुमको पिशाच शब्द से कोई मुक्ति नहीं दे सकता, किसने तुमको मुक्ति किया है बताओ तुमको? बोले ये पाप मोचन एकादशी से ही हमारी मुक्ति हुई। बोले एकादशी ऐसे की चीज है, जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं हो। अब देखना हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति साल साल तक बिस्तर में पड़ा हुआ, मृत्यु नहीं हो रही, किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाओ, जल्दी मुक्ति कैसे होगा, देखना क्या बोलेगा। बोले एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, और कोई व्रत का नाम नहीं लेगा, बोले एकादशी व्रत करके उसको फल दे सकते हो। इतने शक्ति ये एकादशी व्रत में, इतने शक्ति बड़े से बड़े पाप भी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी का नाम है पाप मोचनी। एक का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब क्या, लक्ष्मी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिसको करने से घर में लक्ष्मी मिलती है। एक नाम अर्णदा, जिसको करने से अर्ण मिलता है। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम्हारी विजय होगा। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति होगा। एक का नाम है सफला, जिसको करने से हर काम में तुम सफल हो। हर एकादशी को पढ़कर देखो ना, अलग अलग एकादशी, अलग अलग एकादशी, मतलब जो एकादशी व्रत है,
को देख कते अगर कते एक तराजू लेकर के एकादशी व्रत का फल एक तरफ रखो और जितने सारे दुनिया व्रत का फल एक तरफ रखोगे तो इसका फल भारी पड़ेगा। अगर हम कोई व्रत नहीं रखेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति, तुमको पाप नहीं लगेगी, लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखोगे पाप लगेगी तुमको, क्योंकि एकादशी दिन अर्थ में गोहत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमातृ हत्या, सारे पाप एकादशी दिन अर्थ में रहता है। एकादशी को कंपलसरी बताया, इसको कंपलसरी बताया, एकादशी व्रत हमें करनी चाहिए। और जगत में जो दूसरे दूसरे व्रत है ना, दूसरे दूसरे देवा देवी के लिए, कितने देवता को मनाओगे? आज एक को मनाओ, कल दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा, तीसरे को बुलाओ, चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, कितने को मनाओगे? 33 करोड़ देवता। लेकिन एक एकादशी व्रत रख दिया, ये लगे इतना माधव तीति भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर भारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इसलिए कहते जो एकादशी क्या है, भगवान की तिथि, भगवान कृष्ण का तिथि, कहते ना जहां पर कृपा हरि की हुई तहां पर कृपा करे सब, जिसको पर हरि की कृपा हो जाती है ये 33 करोड़ देवता अपने आप उसको पर कृपा कर लेते हैं। इसलिए एकादशी व्रत ठाकुर का व्रत है, कृष्ण का व्रत है, अगर वो खुश हो गए तो ये 33 करोड़ देवता उनके अंदर में ये सब के सब अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत को क्या करनी चाहिए, आज ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करो, 1-1 लाख हरिनाम करने की कोशिश करना, ठीक है आज, क्योंकि एक माला करोगे ना 100 माला करने का फल मिलेगा आज तुमको। हाँ, आज एकादशी का सबसे बड़ी है, कहते ये एकादशी, कहते जो भीम है ना, ये कभी एकादशी व्रत नहीं रख पाता था, इतने उसका नाम बृकोदर था, वो भूखे वगैरह रह नहीं सकता है, वो रह नहीं सकता है। एक दिन ठाकुर के पास में गए, ठाकुर जी कहते हम एकादशी पहले तो आज जैसे सब फल मूल खा लेते, पहले तो पूरा निर्जला रखते थे, ठाकुर जी मेरे सब व्रत नहीं रह जाता है, क्या करे? तो भगवान बोला जो आज का जो एकादशी तुम अगर किसी तरह से कर दोगे ना, साल भर का एकादशी फल मिल जाएगी साल भर। लेकिन हम लोग करनी चाहिए है? ये भीम के लिए ठाकुर बताया, हम लोगों के लिए नहीं बताया, वो भीमसेन के लिए बात थी, हम लोगों के लिए बात नहीं थी। भीम तो कृष्ण का परिकर है ना, भगवान के धाम में ये भगवान की परिकर है, कुछ आधार हम लोगों को शिक्षा देने के लिए की है। इसलिए आज का एकादशी अगर सही सही करेगा तो साल भर का एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आज एकादशी की बड़ी महत्व है, इसलिए आज का एकादशी हरि नाम कर, सब सब माला निकाल दो, एक माला बैठ कर करेंगे, सब माला निकाल लो एक माला बैठ कर करेंगे, ठीक है सबके सब। देखो माला तो एक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 माला तो एक करेंगे, एक माला करने पर आपको 15 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? यहाँ 15 लोग बैठे हुए, सबके सब हरिनाम करेंगे, सभी का आवाज सबका कान में जाएगा है? जाने से माला तो एक करेंगे लेकिन 15 माला करने का फल मिलेगा, ठीक है सब हरिनाम करना। माला नहीं लाए, माला कभी अपना हाथ से अलग, माला है तो आपके पास में, इधर आओ, अब इधर आ जाओ, आप इधर आओ, बैठ कर अब कहाँ के हो, झोली लो, ऐसे हरिनाम करना ठीक है ना, माला लो, बैठ जाओ। अगली बार आप फिजी में आएंगे, भागवत कथा करेंगे, ठीक है? और आप लोग है ना, सब पहले से प्लानिंग बनाना भागवत कथा में जाने के लिए, ठीक है ना, पहले से ही पता जी, पहले इनको बोल देना, पहले बोल दिया हमको सब, बोल दिया ना, हाँ। अगली बार अगर चिंता हम रहे तो फिजी आएंगे, और जो फिजी वो काल्य का स्थान है, फिजी किसका स्थान है? काल्यनाथ का स्थान, पवित्र स्थान है, तो क्योंकि जो काली है भगवान उसको सर पर नृत्य किया है ना, हाँ नृत्य किया तो वो, और वो भक्त का स्थान है। माला और जिसको पास में नहीं है माला, माला एक ले लो, लेकर मत ले लो, बाद में वापस दे देना, और जिसको पास में नहीं है माला कभी अलग नहीं होनी चाहिए। देखो ये समय की तभी सार्थकता है जब ये हमारे श्वास श्वास में भगवान के नाम निकले है।
गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं, समय को क्यों नष्ट करेंगे, प्रभु का नाम करते हुए चलते हैं। इसे खोल दो तो इसके लिए तुमको दिया ना गया है, सबके पास में माला है, यह माला माला ठीक है। हाँ एवरीबॉडी चैटिंग लाउडली है ना, 21 माला दे कैन गट चैटिंग 15 माला, वाह यार 15 डिवाइडेड हियर, ठीक है सब जोर जोर से करना। देखो इधर सुना, जोर जोर से करने से क्या होता है, हरिदास ठाकुर को पूछा है ना, जब जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, किसी मुसलमान ने पूछा क्यों चिल्ला चिल्ला कर रहे हो, हमने सुना भगवान के भजन मन मन में करनी चाहिए, जोर जोर से क्यों करते हो, क्या उत्तर दिया, बोले एक व्यक्ति इनकम करके खुद खाता है, एक व्यक्ति इनकम करके पूरा परिवार को खिलाता है, बड़े कौन है जो परिवार को खिलाता है, क्या उसी तरह जो मन मन में जप करेगा जो पुण्य मिलेगी उच्चे स्वर से बताए 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, 100 गुण है, क्योंकि जो लता पता वृक्ष है ना ये प्रभु का हरिनाम नहीं कर सकता, हरिनाम करेंगे ये आवाज उनकी कानों में भी जाएगा, उनका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। जैसे जोर जोर से बोलो, पहले बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हो गया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ठीक है बोल हरि नाम संकीर्तन की पांडवा निर्जल एकादशी की तिथि पालन करी भक्त वृंद की गौर हरि 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 बोल की इधर आ जाओ